सेवा संस्थान और जन शक्ति एनजीओ का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने यह सम्मेलन ये आयोजन किया। इस आयोजन से हम सब लोगों का मिलना, एक दूसरे को जानना और आपस में हम लोगों का संबंध बनता है, बहुत ही अच्छा इनका यह रहता है। कई बार प्रोग्राम किए हैं और लोगों को सम्मानित भी करते हैं और हमारे समस्त ज्योतिषियों को जो सम्मान देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य पदम जी ने अभी बहुत ही अच्छे अपने विचार रखे ज्योतिष के बारे में, बहुत ही अच्छे प्रकार से उन्होंने समझाया ज्योतिष के भावों को देखना और अन्य जो भी उपाय बताए हैं उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। आचार्य जी ने जो हमें अभी कई चीजें हमें बताई हैं, ये हमने भी अनुभव किया है कई चीजों में। सबसे बड़ा तो मुझे बताया कि शनि और शुक्र की दशा में, ये तो हमने कई बार अनुभव किया है कि ये बिल्कुल सच है कि शनि और शुक्र, शुक्र की शनि की दशा में कभी भी शो नहीं होता। और जैसे उन्होंने बताया कि ज्योतिष बनने के लिए गुरु बुध तो है ही है, लेकिन शनि का भी होना या शनि की दृष्टि होना या शनि की दशा का होना यह बहुत ही आवश्यक है। ये मेरे साथ भी ज्योतिष विद्या की शुरुआत ही शनि की महादशा में ही हुई, पूरा कारोबार शनि की महादशा में खत्म हो गया। सबसे पहले तो कारोबार खत्म हुआ, यानी कि मेरे पास मेरा बहुत बड़ा कारोबार था स्वर्ण चौधरी चांदी का, शनि की दशा शुरू होने से पहले शनि दशा शुरू होते ही पूरा का पूरा कारोबार खत्म हो गया और शनि की दशा में ही मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान मिला। शनि की दशा में मैं आध्यात्मिक पद में आया, शनि की दशा में साधना शुरू करी। साधना तो बचपन से करते थे और मेरा पूरा परिवार है, समाज है, मैं इस चीज में आया। शनि की दृष्टि लगन पर पड़ती है, शनि ने ही मुझे ज्ञान की ओर अवृत किया, शनि ने मुझे साधना दिखाई, शनि की दशा में ही अपने आप माँ ने बुलाया, दतिया गया, वहां से दीक्षा ली। मुझे नहीं पता था दीक्षा कहाँ से लेनी है, मैं जानता नहीं था दीक्षा कैसे ली जाती है, ढूंढता था कि कोई मुझे गुरु मिले, दीक्षा मिले, साधना करूं। अनेकों लोगों से मिला भी था, कई बार साधना भी करी, बल्कि उसके अनुभव गलत हुए, उल्टे हुए, कि बिना गुरु की, बिना गुरु के ज्ञान से साधना करना बहुत, कई बार बड़ी दशमा विद्याओं की साधना बहुत दिक्कत कर जाती है। तो मेरे साथ ऐसा अनुभव हो चुका है, मैंने बिना गुरु के किताबें पढ़ पढ़ कर बगलाओं की साधना करी और मैं नुकसान में रहा, मैंने मतंगी की साधना करी मैं नुकसान में रहा, बल्कि और परेशानी आनी शुरू हो गई, और दिक्कत आनी शुरू हो गई, परिवार के अंदर कलेश होने शुरू हो गए, मेरी अपनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, मेरा मन विचलित होना शुरू हो गया। लेकिन जब मुझे गुरु मिले, यानी कि मुझे गुरु दीक्षा मिली, उसके बाद मेरे जीवन के अंदर सदियों तरह वृद्धि होती चली गई, ज्ञान की वृद्धि होती चली गई। माँ बगलामुखी की साधना के बाद मतलब प्रेडिक्शन करने में भी, ज्योतिष पढ़ने में भी और अनेकों चीजों में, परिवार में भी, धन में भी, शरीर में भी बहुत अच्छे सुधार हुए। फिर मैंने माँ मतंगी की साधना करी, मतंगी की साधना करने के बाद ज्योतिष में प्रखरता आती चली गई। माँ की इतनी कृपा हुई कि मैं अपना बहुत बड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि ज्योतिष की जन्मपति पूरी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, माँ का आदेश हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। मैं ये नहीं कहता हमेशा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन साधना मेरा ज्योतिष यहाँ पर नए भी है, पुराने पुराने अनुभवी भी, विद्वान भी है, बहुत बड़े विद्वान लोग भी हैं, साधक भी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ज्योतिष विद्या पढ़ने के साथ साथ साधना अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक ज्योतिष को किसी भी एक विद्या की या किसी भी एक अपने इष्ट के पीछे लग जाना चाहिए, बिना साधना के सफलता नहीं मिलती। और साधना से आपका मन आध्यात्मिकता की ओर जाएगा, मन शुद्ध होगा और मन के अंदर आपके विचार किसी दूसरे का भला करने का ही होगा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा। हम लोग लालच से भी निकल जाए, हमें ज्योतिष में लालच नहीं करना। धन तो वैसे सब तो झूठ है, बिना धन के तो कोई यहाँ नहीं आएगा और बिना धन के तो कोई कार्य होता ही नहीं है, लेकिन धन का लालच करने के लिए ज्योतिष ना बने। धन तो जरूर है ही, बिना धन के तो हमारा भी खर्चा किसी का भी नहीं चलेगा, और धन बहुत चाहिए ये भी नहीं। हम तो माँ से कामना करते हैं, माँ बहुत दे, मंत्र है भूरी दा भूरी देवरा ध्वरम भर भूरी देन्द्री दे तसी स्वाहा, यानी कि मुझे बहुत अधिक से अधिक धन दे,
इतना अधिक धन दे, 100 आत्म से धन दे, तो धन तो चाहिए, लेकिन ज्योतिष विद्या के द्वारा किसी को पगलाकर झूठ बोलकर या गलत तरीके से कहकर धन लेना वो नुकसान दे जाएगा। हाँ, साधक साधना करे तो मैं समझता हूं कि जातक अपने आप ही धन देगा, उसको उपाय बताते हैं या किसी प्रकार की साधना कर। हम लोग यदि साधक हैं, हमने मंत्र जाप किए हैं, साधना की है, अपनी शरीर को प्रसन्न किया है, तो मैं समझता हूँ कि माँ की कृपा से, अनिष्ट की कृपा से धर्म तो हमारे पास स्वयं चल कर आएगा। ज्योतिष विद्या में सारे ज्योतिष के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे उपाय सब लोग जानते हैं, जैसे आचार्य जी ने बताया कि शनि का, मेरे हिसाब से शनि के साथ साथ राहु का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे आज कलयुग में राहु बहुत कुछ अचानक दे देता है, राहु जब देखता है तो अचानक देता है, और जब छीनता है तो इतना एकदम छीन देता है कि रात को सोए थे सवेरे खाली हो जाओगे। ये मैंने अनुभव किया हुआ है। राहु अच्छे घर में यानी कि त्रिकोण भाव में राजयोग बना देता है। राहु यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो शुभ ग्रह की भी शुभता खत्म कर देगा, यानी कि अच्छे से अच्छा ग्रह गुरु कितना ही उसका हो जाए, राहु साथ में बैठ गया, राहु के ने उस गुरु के भी योग को खत्म कर देगा। गुरु चंडालयोग तो बन ही जाता है, लेकिन राहु की वजह से वो गुरु के प्रभाव खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो राहु को मैं जब सब देखता हूँ कुंडली में, शनि और राहु का सबसे पहले देखता हूँ। राहु यदि शुभ जगह पर है तो बहुत अच्छे फल देता है, पंचम नवम में लगन में तो राहु बुद्धि भ्रष्ट भी करता है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा नक्षत्र भी कौन सा है। पंचम नवम में भी बहुत अच्छे फल देता है, और यदि राहु ने शुभ फल दिए अपनी दशांतर दशा में तो आदमी को नीचे से ऊपर तक बहुत जल्दी ले जाएगा, लेकिन गिराएगा भी इतनी जल्दी से। इसलिए राहु को बहुत अच्छे ढंग से जाप या मंत्र जाप या उपाय करने चाहिए, और अनेकों उपाय जो है मैं तो समझता हूँ कि व्यक्ति को देखिए हम रत्न पहना देते हैं, अशुभ ग्रह का रत्न पहन लिया तो सबसे एकदम अशुभता ले आएगा, तो रत्न को बहुत सोच समझ के पहनाने चाहिए, क्योंकि रत्न शुभ को बढ़ाएगा। तो रत्न हो या उस रंग हो या उसके संबंध धातु हो, उसके संबंध ग्रह से संबंधित रंग हो, वो हम पहनते हैं इस्तेमाल करते हैं तो उस ग्रह की ऊर्जा को, उस ग्रह के तत्व को, उस ग्रह की शुभता को बढ़ाएगा। लेकिन यदि हमने अशुभ ग्रह का गलती से भी रत्न पहन लिया तो उसकी अशुभता को बढ़ा देगा। अनेकों लोग दशा अंतर दशा के करीब ग्रह रत्न पहना देते हैं, कभी भी नहीं पहनाना चाहिए, लगन पंचम नवम का ही रत्न पहनते हैं और वो शुभ है तो पहनते हैं, इसके अलावा रत्न नहीं पहनना चाहिए। नीच ग्रह का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए, अशुभ है तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। हाँ, उस ग्रह के मंत्र जाप जरूर बताएं। मंत्र हमारे ज्योतिष में 5 प्रकार के उपाय बताए, मंत्र रतन औषधि दान और स्नान, यानी औषधि स्नान, यही 5 पांव से हम सारे 4 काम हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शुभ जो है मेरे लिए तो जो मैंने समझ पे आया है कि जो मंत्र जाप, मंत्र का उपाय और दान का उपाय, दान उपाय से बहुत जल्दी ग्रह की शांति होती है, मंत्र जाप से बहुत जल्दी ग्रह की शांति होती है। तो मैं ज्यादा आता तो मैं खैर इस बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि सारे बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष महानुभाव हैं, उन सबको मेरा यही है कि भी हम लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर अच्छे प्रकार से आगे चलें और ज्योतिष विद्या को हम बढ़ावा दें। इसको हम लोगों के दिमाग से निकाल दें कि ये ठग हैं या ये लोग बेईमानी करते हैं, हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पैसे ले लेते हैं। हम लोगों का विचार होना चाहिए नहीं, हमें इस ज्योतिष विद्या को इतनी श्रेष्ठ ले जाएं कि लोग कहें कि हाँ ये विद्या वैज्ञानिक है, इसके विद्या के द्वारा हम अनेकों प्रकार से लोगों का कल्याण करते हैं। हम लोगों को सबसे ज्यादा तो है कि हम उपाय बताकर लोगों की समस्याओं का निवारण तो करेंगे, साथ साथ अपने धर्म की ओर साथ लेकर चले, हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़े, हम एक दूसरे को अच्छे उपाय बताएं, बच्चों को घरों में संस्कार देना शुरू कर देंगे। हम अपने जातक को सबसे पहले ये बताएं कि प्रभु आप लोग घर में पूजा पाठ ध्यान, घर को एक मंदिर के समान समझकर चलें। बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप जरूर सिखाएं। मैं तो जब भी आते हैं सबसे पहले साधना भी करवाता हूं, पहले गायत्री मंत्र का अंदर कहा ही गया है कि हे ब्रह्म पिता परमात्मा मुझे सत्य मार्ग की ओर ले चल, मुझे ज्ञान की वृद्धि कर, बिना ज्ञान के कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। सबसे पहले ज्ञान होगा तभी हम कुछ कार्य कर सके, ज्ञान के द्वारा हम शुभ कर्म करें, धन प्राप्त करेंगे, तभी हमारा हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की ओर बढ़ सकेंगे।
कर्मार्थ काम मोक्ष यानी कि धर्म के द्वारा शुभ कर्म करते हुए अर्थ को प्राप्त करें। अर्थ पहले कहा गया, अर्थ तो बहुत जरूरी है, धर्म के द्वारा काम करके अर्थ को प्राप्त करके काम। काम का अर्थ ये नहीं है कि खाली सिर्फ काम को वासना में ले, काम हमारा विवाहित जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, संतान उत्पत्ति करने के लिए काम की बहुत आवश्यकता है। इन तीनों के बिना मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकते, इसलिए मोक्ष का साधन तो हम ज्योतिषी बताएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम लोगों का बस यही है कि हमारा विचार यही होना चाहिए कि अपने जो भी हमारे यजमान आए, जातक आए, उनके परिवार की शुभता हो, उनके परिवार के अंदर ज्ञान की वृद्धि हो, वे धर्म की ओर चलें, सत्संग की ओर चलें और हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म एकजुट हो। हम जो भी आए उनको उपाय इस प्रकार से बताएं ताकि वे अपने संतान को भी साथ लेकर शुभ कर्मों की ओर बढ़ते चले, हमारा यही ध्येय होना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबको बार बार नमस्कार करता हूँ, यहाँ पर आए हुए समस्त विद्वान जनों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ओम जय भाई। आप एक